Hello, student of class 9. Myself, I am going to tell you about how to do the factorization. So, there are many methods that you are studying in the class 8. But today, I am going to tell you by the grouping method how we can taking the group of an equation and factorize. So, I am taking here the two examples. So, please see here, first question, that is x square plus 1 upon x square plus 2 minus 2x minus 2 upon x. So if you are observing it here, you can just divide this question into the two parts. This is the one part and this is the another part. So after dividing this, you may just decide it here that it is the that is perfect square. It means that this terms, this portion only, you may write by this way. X square plus 2 into x into 1 upon x. If you can cancel out, it doesn't take matter. Okay? And here you can just write it here 1 upon x square. And from this part, you may take out this minus 2 common. So it becomes x plus 1 upon x. Okay? Now see here this portion. Observe it very clearly. If you observe it, then this portion is based on this formula a square plus 2ab plus b square, which you are studying in class 8. So now if you write this part, now this part is in this way. Ye part aap dekh rahe honge ki ye is tarike se ho gaya hai, jise hum perfect square method bhi kehte hain, perfect square formula. Aur ab hum isko hum directly is tarike se likh sakte hain a plus b ka whole square. To aap isko yahan par ब्रैकेट लगा करके सिंस ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये इस फॉर्मूले को तो अपने क्वेश्चंस में यूज करने जा रहे हैं. अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करते हैं तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी आपकी x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट टू द होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू x प्लस 1 अपॉन x. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से इन दोनों जगह से आप x प्लस 1 अपॉन x को कॉमन ले सकते हैं. तो यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x ये कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होगा और इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा. तो आपने ये देखा कि आप किस तरीके से ये आंसर को फाइंड कर सकते हैं. तो एक बार आप फिर देख सकते हैं, पहले आपको क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करने होंगे, फिर उसके बाद आपको ये सोचना होगा कि अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम लिख सकते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा, आपको प्राप्त होगा. देन इसके बाद यहाँ पर भी आपने पहले से जो कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 अपॉन x, इसके एड्रेस स्टेप में x प्लस 1 अपॉन x दोनों जगह पे कॉमन इसे हम ले लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाता है. इसी तरीके का ग्रुपिंग मेथड पे दूसरा क्वेश्चन है जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहले हमें एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी होगी. तो आप बच्चों इसको हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एंड दिस इज माइनस बी एक्स प्लस हमारा ये ए बी हो जाएगा. उसके बाद हम इसके दो पार्ट ऐसे बना देंगे तो इसमें हमें बहुत आसानी होगी कॉमन लेने में. यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं और ये हमारा x माइनस ए होगा. और आप ये ध्यान में रख करके चलिए कि अगर आपका यहाँ पे x माइनस ए आ रहा तो वो भी x माइनस ए इस जगह पे भी आएगा. तो इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि b को हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा माइनस बी हो जाएगा और ये x माइनस ए होगा. फिर आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x माइनस ए होगा, x माइनस ए दोनों जगह से हम इसको कॉमन ले सकते हैं. तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x माइनस ए और दूसरा हमारा x माइनस बी होगा. इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बाय ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइज कर दिया है. तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं, कुछ जो थोड़े से डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप्स होंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और इस पर हम डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हम आपको असाइनमेंट्स में प्रैक्टिस के लिए दे देंगे. ओके.